सबसे पहली जो बड़ी खबर बुलेटिन में आ रही है वो बिहार से सामने आई है, किशनगंज की खबर है। सरकारी इंजीनियर संजय राय ठिकाने से करोड़ों की बरामदगी हुई है और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा बरामद किया गया है। कैश की गिनती जारी है। विजिलेंस ने कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसी मामले के तहत ये छापेमारी चल रही है। ये देखिए, किशनगंज और पटना में 2 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। अभी तक जो कैश की बरामदगी हुई है वो लगभग 4 करोड़ बताया जा रहा है। कैश की गिनती जारी है। सरकारी इंजीनियर हैं संजय राय, उनके 2 ठिकाने पटना और साथ ही बताया जा रहा है कि किशनगंज, ये 2 ठिकाने हैं जहां पर विजिलेंस की टीम पहुंची है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी चल रही है। कैश की गिनती जारी है। अभी तक 4 करोड़ से भी ज्यादा की कैश मिलने का अनुमान है और साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, इस खबर पर अभी ताजा अपडेट तो दीजिएगा ही, साथ ही सरकारी इंजीनियर संजय राय के बारे में जरा बताइए, भ्रष्टाचार में लिप्त, आय से अधिक संपत्ति का मामला और विजिलेंस की छापेमारी। देखिए, बिल्कुल, आरईओ में ये कार्यपालक अभियंता है संजय कुमार राय, पटना में भी इनका आवास है और किशनगंज में इस वक्त 3 ठिकाने हैं इनके और 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। क्योंकि विभाग में तो छापेमारी चल रही है, किशनगंज में ये जहां रहते हैं वहां पर, और इनका एक कैशियर है खुर्रम सुल्तान, जिसके मार्फत ना सिर्फ ये पैसा का लेन देन निगरानी के पास से सूचना है, बल्कि उस कैशियर के यहाँ ही इनका ये जो काला धन है ये सब छुपा कर रखा गया था, जहाँ से 4.5 करोड़ रुपए अब तक बरामद हुए हैं। और मशीन मंगानी पड़ी है, आप सोच सकते हैं अंजलि कि मशीन मंगानी पड़ी है कैसों की गिनती की जा सके। लाइन मोहल्ला है किशनगंज का, वहां पे ये छापेमारी में ये नोट बरामद हुए हैं। पटना में भी इनका एक ठिकाना है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और इस ये जो इंजीनियर है आरईओ के, ये संजय कुमार राय, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि कई सालों से ये किशनगंज में ही जमे हैं और जितना आरईओ यानी कि जो ग्रामीण कार्य विभाग है उसमें जो ठेकेदारी जो काम निकलता है उसमें इनका मिस्टर 5% के रूप में ये वहां पे जाने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि आरईओ में जितना ग्रामीण के काम है उन तमाम कामों में इनका 5%। रुपेश, विजिलेंस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए और खासकर अभी अभी सरकार का चेहरा बदला है, या यूं कहें तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार का जो चेहरा बदला या पार्टी जो बदली उसके बाद एक्शन में सरकार दिख रही है, या इससे पहले भी इस तरह की छापेमारी पहले भी चला करती थी? नहीं, देखिए, निगरानी की जो अगर उपलब्धि के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों में निगरानी ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि अगर कहीं सच्चाई पर धरातल पर दिखती है तो वो निगरानी की छापेमारी में ही दिखती है। निगरानी का जो मोडस ऑपरेंडी है कहीं कोई घूस लेने या इस तरह के भ्रष्टाचार की जो सूचना निगरानी में, सवाल यही था क्या इनके बारे में कोई कंप्लेन थी? संजय के बारे में बताएं, किस पद पर ये थे, क्या इनकी जिम्मेदारियां थी? क्योंकि जिस तरीके से बरामदगी हो रही है, जाहिर सी बात है आय से अधिक संपत्ति के मामले के तहत ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, ये आरईओ के इंजीनियर हैं, ये कार्यपालक अभियंता के पद पर हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में उस जिले से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उन कार्य की ठेकेदारी हो या फिर उसका पेमेंट करना हो, ठेकेदारों को जो पेमेंट करना हो वो सब कार्यपालक अभियंता के ही जिम्मे होता है। इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि संजय कुमार राय ना सिर्फ जब ठेकेदारी दी जाती है उस वक्त कमीशन लेते हैं, बल्कि ठेकेदारों को जब पेमेंट का क्लियरेंस होता है उस वक्त भी इनको कमीशन चाहिए होता है। और इसकी ही शिकायत पहले निगरानी में हुई थी। निगरानी ने अपने तरीके से किशनगंज जाकर के तमाम इनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको वेरीफाई किया, उसके बाद से एफआईआर दर्ज किया, फिर 5 लोगों की एक टीम बनाई गई और उसके बाद से जो मोडस ऑपरेंडी होता है। रुपेश, आप नजर बना रखिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी कामयाबी विजिलेंस को और लगातार इस तरह की छापेमारी पहले भी चलती रही है, लेकिन इस पूरे मामले में डीएसपी विजिलेंस का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। हमारी 3 टीम है, वैसे तो हमारी 3 टीम है लेकिन वो डिवीजन हो गया है। अभी हम लोग खुर्रम सुल्तान है लेखा लिपि, ये आपके कार्यपालक के ऑफिस में, ग्रामीण कार्य विभाग पटना के और किशनगंज के ऑफिस में कार्यरत हैं। और अभी हम लोग डीए का केस संजय कुमार राय के आय से अधिक संपत्ति का मामला लगभग 1.4 करोड़ रुपए के करीब का निगरानी थाना खान संख्या 43/22 हम लोगों ने दर्ज किया है। माननीय न्यायालय से सर्च वारंट का आदेश लेने के बाद हम लोग अभी किशनगंज में आए हैं और यहाँ अभी बहुत सारे कैश बरामद हुआ है।
लगभग 10 लाख के करीब कैश बरामद हुआ है और कुछ बैंक पेपर्स वगैरह मिले हैं, कुछ लोन पेपर्स मिले हैं। इसके अलावा जो है पटना में भी रेट चल रहा है सर, वहाँ तो तकरीबन 2 करोड़ के करीब, 2.5 करोड़ के करीब। हाँ हाँ, ऐसा सुनने में आया, लेकिन अभी वहाँ पे पता चलेगा, अभी चल रहा है, अभी तो स्क्रूटनी हम लोग करेंगे, अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है।